पीएम मोदी ने मन की बात में आपातकाल का जिक्र किया, कहा 25 जून 1975 की रात लोकतंत्र के लिए काली रात। पीसी चाको ने इमरजेंसी पर पूर्व पीएम का बचाव किया, कहा इंदिरा को सकारात्मक तौर पर याद किया जाना चाहिए। पीएम के इमरजेंसी वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता टॉम बटकर ने कहा इमरजेंसी भूल थी लेकिन इस समय देश में अघोषित इमरजेंसी है। पीएम मोदी ने कहा विश्व को जोड़ने का जरिया बना योग, फिटनेस से वेलनेस की ओर जा रही है युवा पीढ़ी। पीएम मोदी ने खादी के इस्तेमाल की सलाह दी, कहा गिफ्ट में खादी का रुमाल दें, बनाने वालों की मदद होगी इससे, बुके की जगह बुक देकर स्वागत करें। पीएम ने युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया, कहा ईजेम पर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाएं। पीएम ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, ईद के लिए भी बधाई दी। अलगाववादियों को पाकिस्तान से फंडिंग पर एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ाया, अमेरिका से मदद ली जाएगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनआईए आसिया अंद्राबी और हाफिज सईद के रिश्तों को खंगाल रही है, बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हाफिज ने आसिया से बात की थी। श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर के डीपीएस स्कूल के 7 ब्लॉक में 400 से ज्यादा कमरे हैं, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद का बयान, स्कूल की इमारत को ज्यादा नुकसान ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीमा पार से दागे गए मोर्टार। 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान ने की फायरिंग, आज सुबह 6:30 बजे फायरिंग हुई, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। घाटी में तनाव को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने 3G और 4G सेवाएं बंद की, इंटरनेट स्पीड भी 128 kbps से ज्यादा नहीं होगी। जम्मू में भी युवाओं को पत्थरबाजों के लिए उकसाने का खुलासा, राजौरी के दो युवकों का आरोप, पैसों का लालच देकर दबाव डाला जा रहा है। इन युवाओं का कहना है कि उन्हें रोज 1,000 रुपए देने का लालच दिया गया, युवाओं ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला को श्रद्धांजलि दी गई, तबादले के बाद पहली बार गश्त पर निकले थे साहब शुक्ला। सीआरपीएफ जवान ने बताई साहब सिंह पर हमले की पूरी कहानी, लोगों ने आतंकियों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। 2 दिन के अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी, होटल के बाहर भी भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। वॉशिंगटन एयरबेस पर भी भारतीयों से मिले पीएम मोदी, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भारतीय, हाथों में तिरंगा लिए भारतीय मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, पीएम मोदी को सच्चा दोस्त भी बताया। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल मुलाकात होगी, पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का भी आयोजन। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पुर्तगाल के साथ 11 समझौतों पर दस्तखत किए, अंतरिक्ष नैनो टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे। लिस्बन में पीएम मोदी ने भारत पुर्तगाल के बीच इंटरनेशनल स्टार्टअप की भी शुरुआत की। लिस्बन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा पुर्तगाल में भारत के असली राजदूत है प्रवासी भारतीय। लिस्बन के राधा कृष्ण मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। मुंबई से टकराई हाई टाइड की लहरें, करीब 5.02 मीटर ऊंची रही लहर, बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में बारिश का पानी भरा, लगातार बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई में हिंद माता फ्लाईओवर के नीचे बारिश का पानी फंसा, इलाके में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई में लोगों को समंदर किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई, भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई से सटे ठाणे में आफत बनी बारिश, कई जगह सड़कों के किनारे बने बस स्टॉप भी डूबे, आवाजाही बाधित हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी भी बारिश के पानी की वजह से सड़कों पर जमा हो चुका है, पहली ही बारिश में खुली सरकारी इंतजाम की पोल। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ईद पर 12 घंटे की मोहलत दी, गोरखा लैंड की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर है जीजेएम। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद लखनऊ में आज चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, सीएम योगी बीजेपी विधायक और सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। रामनाथ कोविंद आज दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, इसके बाद समर्थन जुटाने उत्तराखंड जाएंगे। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर फायरिंग की, बीजेपी ने विपक्ष की साजिश बताया। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी की विस्तारक रैली, शहर के मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा आरजेडी नेताओं से सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगवाना बंद करवाए लालू। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह नाराज, कहा आरजेडी की बौखलाहट समझ से परे है। एयर इंडिया की भोपाल से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 10 मिनट देरी से उड़ी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह पर फ्लाइट देरी कराने का आरोप लगा। बिहार के नवादा में नक्सलियों ने महिला की हत्या की, शव के पास अंजाम भुगतने की चेतावनी वाले पर्चे भी रखे। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 2 जवान भी शहीद हुए। सतना में सामने आई बैंक की अंधेर गर्दी, कर्ज नहीं चुकाने पर 70 साल की बुजुर्ग महिला की पेंशन और पीएम आवास योजना की किश्त रोकी।
छत्तीसगढ़ के महासमंद में एक और किसान ने खुदकुशी की। परिवार ने कहा कर्ज ने ले ली जान, प्रशासन का इनकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मनमानी फीस वसूलने वाले 15 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी। एमपी बोर्ड के रिजल्ट्स में सामने आई खामियां। उज्जैन के एक छात्र के सामाजिक विज्ञान में 33 नंबर आए, रीचेकिंग पर 93 नंबर हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरिया में छात्रा ने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। छात्रा का आरोप, आगे की पढ़ाई नहीं कराना चाहते पिता। सीबीआई ने ईडी के पूर्व ऑफिसर को गिरफ्तार किया, 4 लाख की घुसखोरी का मामला है। बिहार के सुपौल में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 970 बोतलें शराब बरामद हुई। गुवाहाटी में पकड़ी गई 2 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स, 2 आरोपी गिरफ्तार। असम के डुबरी में गायों की तस्करी करते पकड़े गए 29 लोग, बीएसएफ ने बांग्लादेश भेजी जा रही गायों को बचाया। बिहार के सासाराम में सलैया नहर का बांध टूटा, खेतों में घुसा नहर का पानी, फसलों को भारी नुकसान। लखनऊ में ऑटो ड्राइवर पर रेप की कोशिश का आरोप, लड़की को ऑटो से बाहर फेंका, इलाज के दौरान लड़की की मौत हुई। युवती की हत्या के केस में लखनऊ में कार्रवाई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में डीजीपी दफ्तर में तैनात सीओ की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, डीजीपी सुलखान सिंह भी पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड पर रेप की कोशिश का आरोप, लोगों ने आरोपी को पीटा, पुलिस के हवाले किया। यूपी के बाराबंकी में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या, पुलिस को जमीन विवाद का शक, हिरासत में 2 लोग। यूपी के शामली में लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल को एनकाउंटर में मार गिराया, 1.5 साल से फरार चल रहा था। नशे की हालत में कार चलाते पकड़े गए बॉलीवुड गायक फाजिलपुरिया, गुरुग्राम में गाड़ी जब्त। फरीदाबाद में नशे में धुत कार सवार ने पुलिस कर्मी को धक्का मारा, टक्कर मारी, हालत गंभीर है। हादसे के वक्त पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली के नंदनगरी में लाल बत्ती लगी गाड़ी से शराब की तस्करी, 3 लोग गिरफ्तार, शराब की 89 पेटी भी जब्त हुई। दिल्ली में मोबाइल चोरों के गैंग का पर्दाफाश, IMEI नंबर बदलकर मोबाइल बेचते थे, 65 मोबाइल समेत 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुए। मुंबई के भाईकला महिला जेल में दिल का दौरा पड़ने से महिला कैदी की मौत हुई, कैदियों के जेलर के खिलाफ प्रदर्शन की खबर सामने आई। राजस्थान के धौलपुर में महिला ने खुद को आग लगाई, हालत गंभीर, छोटी बहन से झगड़ा हुआ था। बिहार के कटिहार में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हुआ। बिहार के गया में हाई वोल्टेज से सटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी झुलसे, ट्रक जलकर खाक हुआ। झारखंड के जामताड़ा में हाथियों ने एक युवक की जान ली, हाथियों के झुंड ने गांव पर किया था हमला। दिल्ली पुलिस की एंटी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में शामिल हुए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, लोगों से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एम्स की तर्ज पर खुलेगा अमृत स्टोर, सस्ती दर पर मिलेंगी दवाएं। पुरी में जगन्नाथ रथ से पहले सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति, रेत पर भगवान की आकृति बनाई। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की आज से रथ यात्रा, इस बार यदुवंशी वेश में नजर आएंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद के रघुनाथ मंदिर में मंगला आरती में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हुए। दिल्ली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से आज निकलेगी भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार को 48,000 भक्तों ने दर्शन किए, रविवार के लिए 35,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान, बाजारों में बढ़ी रौनक। राजस्थान के भीलवाड़ा में ईद से पहले रौनक, मस्जिद पर लगाई गई विशेष लाइटें, तिरंगी रोशनी से मस्जिद सजाकर दिया देशभक्ति का संदेश। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विशेष सजावट, रमजान और ईद के मौके पर रोशनी से सजाया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर में बड़ा हादसा हुआ, टैंकर में लगी आग से जलकर 123 लोगों की मौत हुई। लीक हुए टैंकर से तेल भर रहे थे लोग, घायलों में से 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा नियम कड़े किए, चीनी नागरिकों पर हमले के बाद लिया गया फैसला। चीन के सिचुआन प्रांत में जमीन धंसने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे में 140 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। ब्रिटेन में मनाया गया आर्म्ड फोर्सेस डे, प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा आतंक से लड़ने में सेना का अहम रोल है। कोलंबिया में एक खदान में धमाके से 8 मजदूरों की मौत, अभी भी 5 लोगों के लापता होने की आशंका। इराक के मोसुल में पुराने शहर के अंदर सेना और ISIS के बीच लड़ाई जारी, लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी सेना। नॉर्थ लंदन की रिहायशी इमारतों से 4,000 लोगों को घर खारी करने का आदेश मिला है, सर्वे में इमारतों को सुरक्षित नहीं माना गया है। लंदन की एक इमारत में लगी आग पर 72 फायर फाइटर्स ने पाया काबू, आग ऊपरी मंजिल पर लगी थी। पेरिस के एयरशो में अमेरिकी कंपनी के हेलीकॉप्टर का जलवा, पैराशूट से लेकर 5 मिनट का बैटरी बैकअप। फ्लोरिडा में एक छोटे प्लेन की इमारत से टकराने की खबर है, एक व्यक्ति की मौत, दूसरे की तलाश।
इसराइल ने सीरियाई सेना पर अपने इलाके में बम गिराने का आरोप लगाया है। जवाबी हमले का वीडियो जारी किया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। बारिश में धुला था पहला वनडे। मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच को लेकर बीसीसीआई प्रशासकों की हुई बैठक। कोच आवेदन की तारीख 9 जुलाई करने का फैसला। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने रद्द की नागौर क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी है नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष।